करे तो पैनल डिस्टर्ब हो जाएगा, पैनल डिस्टर्ब हो जाएगा तो पूरा रोड कलेक्ट हो जाता है, इसके लिए उधर नहीं कर सकता। आप तो एक ही ऑप्शन है, साफ बोल रहे हैं इधर कर सकते हैं, वही अच्छा। उधर हम लोग पहले ड्राइंग स्टडी करेगा, वो ड्राइंग वो ड्राइंग में क्या है ना, पूरा स्लैब है तो नहीं कर सकता, वो पार्ट पार्ट स्लैब है तो हम मिडिल गेट पार्ट निकल को निकल लेकर यहाँ पर पानी का मसला है, इस गुजरात में हम घरों में पानी का इतना लेट होने की क्या वजह, इसके लिए क्या सोल्यूशन नहीं है? सोल्यूशन है सर, वही बात कर रहे हैं ना। नहीं लेकिन आप तक क्यों, आप पिछली सरकार की क्या माइनॉरिटी के लोग हैं बोलकर इसलिए आप किसी के दबाव में आकर काम करते हैं? नहीं क्योंकि मैडम कई बार जो है यहाँ पर आपके यहाँ पर उन्होंने मेमोरेंडम दिया, मुतालबात पेश किए, लेकिन हमको देखने में ये आ रहा है कि लोग घर अपना खुद का घर छोड़ के लॉजिंग में रहने की मोहब्बत आ जाए, तो बताओ उसके लिए कुछ घर है? एक्चुअली ऐसा नहीं है, एक्चुअली पहले प्रपोजल ये लोग मांगे था इधर से निकल लेके जाएंगे बोल को बोले था, ये पैनल है ना, इधर पैनल दिख रहे हैं आपको, इसे पैनल से एक्चुअली वो पैनल है ना, एक पैनल का कनेक्टिविटी है, वो एक पैनल का डिस्टर्ब करता आगे पैनल नीचे गिर जाता, इसके लिए उस टाइम में प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया मैडम के पास, प्रपोजल में लेटर पढ़ाया था मैं, वो लेटर में ऐसा है ऐसा लिखा, अभी अभी साहब का प्रपोजल अलग है, मैडम के प्रपोजल बोले अभी इसको लेके जाकर कनेक्ट करने के लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं मैं लगा सकता, बट साहब का और एक है ऐसा लेकर जाने के लिए बोल रहा है, जैसे पानी लेकर जाओ आगे कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है, बट उधर कनेक्ट करने के लिए बिपसी कैसे डिजाइन किया ना पहले वो स्टडी करेगा, उसमें है ऐसे डिजाइन में हम करने के लेके जा सकते बोलो तो देन विल गिव द डिसीजन, ऐसा है नहीं तो फिर ये ऐसा ही नहीं भी सर, कोई भी चीज़ हम पहले वो ड्राइंग देखने के बाद हमको मालूम हो जाएगा क्या चीज़ है वो, पहले लोड ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे ऐसा नहीं, कल निकलेंगे सर, चले पहले उसको लोड ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, नहीं तो कैसा कंस्ट्रक्शन करना क्या करना हमको देखेंगे, पहले है तो देखना पड़ेगा, हम वो ड्राइंग इसके लिए बोलो ड्राइंग स्टडी करने के बाद ही बता सकते हैं आप, टोटली 18 महीने से नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है नहीं हमें इंतज़ार कर रहे हैं क्या, जब बीजेपी गवर्नमेंट थी तो हमें बोला गया था कि कभी नहीं बनाओ, शिवाजी मंडोलकर वार्ड नंबर 14 वार्ड नंबर 13 को कंसर्न होता है ये नाना, तो हमें कमेटी भी बनाई और एक ने हज़ार मरतबा बोले हमारे यहाँ पानी आता है और 2018 से ये कार्रवाई चालू है, दो पाइप्स डाले ओवरफ्लो का पानी जाने के लिए, फिर भी पानी घरों में आने लगा है, ड्रेनेज का आ रहा है गटर का आ रहा है, जैसे ही बरसात आता है 4 महीने तो पानी एक खौफ और एक डर के साथ झेलना पड़ता है, पूरा बिरबत नगर होंदे चाहे शिवाजी नगर होंदे या पंजी बाबा होंदे, हमने हज़ार मरतबा बोला कमिश्नर को बोले अनिल बेंगे सर को भी बोले, हमें उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी को बुलाने 18 महीने से इंतज़ार कर रहे हैं हम, मगर एक कान से सुनते थे एक कान से लिडट करते थे, हमना नहीं मालूम है कि उन्होंने ऐसा काम क्यों नहीं करे हमना नहीं मालूम, लेकिन आज मौका है नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले आई और उन्हें बोल रही कुछ ना कुछ कर को ये सोल्यूशन करते कर को बोल रही, हमना उम्मीद है अभी हमारे है नए जो लीडर है MLA साहब हमारे राजू शेठ साहब उन्होंने भी हैं इंशाल्लाह काम होएगा कर को उम्मीद है, ये उनके पीरियड में ये काम होएगा, अगर अंडरग्राउंड टूनल बनाए या अंडरग्राउंड है वो ब्रिज बनाए ऊपर से गाड़ियाँ गए और नीचे से पानी चला गया तो मेरे ख्याल से 100% ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, नहीं ऐसा नहीं। और दूसरी बात पांचवे क्रॉस में एक ये है उधर से अगर नाला डिवाइड करे तो जो फ्लो है वो फ्लो रिड्यूस होता है, निपा निकर मैडम को बताए थे हमें तो उन्होंने क्या बोले कि गवर्नमेंट कौन सी आती है देखेंगे, देखकर इसका प्रपोजल बनाकर गवर्नमेंट के सामने रखेंगे फिर करेंगे करके बताए थे, तो उनके साथ ही बात निपानी कर मैडम गवर्नमेंट कौन सी आती है से मुराद क्या, नहीं मजे लेकिन उन्होंने बोल रहे थे अभी इलेक्शन नहीं उन्होंने क्या बोल रहे थे जब मैं उनके साथ यो है नहीं एज ए डेवलपर कमिश्नर है उन्होंने तो इसके बारे में मैं उनके साथ चर्चा की कि ऐसा ऐसा हमें प्रॉब्लम आ रहा है मैडम और ये सब कौन भी है नहीं एक कान से सुन रहा है तो एक कान से छोड़ रहा है, जरा आप ही इंटरेस्ट लिए तो काम होता है करके मैं बोली, तो वो क्या बोले कोड ऑफ कंडक्ट लगा है और है नहीं अभी इलेक्शन नज़दीक है जैसे ही इलेक्शन खत्म होने दो फिर कुछ करेंगे करके ऐसे बता रहे थे सर, तो हमने राजू सेठ साहब के साथ भी बात किए हैं नहीं जैसा नहीं, पर चौगले सर के साथ और मेयर मैडम के साथ जब मीटिंग हुई तो हमने क्या बोला कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाले को बुलाओ उनको दिखलाओ फिर देखेंगे क्या डिसीजन होता है, ठीक है देख लिया मैं आपको बता रहा हूँ मैडम आपको ऐसे नहीं है।
मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टडी कर रही है तो और कितने साल लगेंगे, लोगों के घरों में पानी जा रहा है सर। आप ये लेट होने की वजह क्या है वो बताइए मुझे सर। थोड़ी देर में कल कर, अरे थोड़ा देर में कल कर सर। एक्चुअली प्रपोजल है मैडम लोग अभी आए सर, हमारे मैडम तो प्रपोजल अच्छे आया है अभी। एस्टिमेट सर मैं क्या बोल रहा है ना, रिवाइज किया है इतना है ना, अभी कितना साल का है ना लेटर है 13-3-2000 सर। इसके लिए हम लोग है ना रिप्लाई ऑलरेडी अप्रूव किया। आप क्या पूछा था देखो सर, इतना लेटर भी है, हम लोग क्या रिप्लाई किया, वो पैनल है उस मंदिर सब लेकर नहीं जा सकता बोल के बोल रहे हैं। इसके लिए अभी मैं स्पॉट पे आने के बाद अभी उसको दो ऑप्शन बोल रहा हूँ, एक ऑप्शन इधर से कनेक्ट करना पड़ेगा नहीं तो कहाँ से लेके जाना पड़ेगा, मेरे को मालूम है बगल में वो है नाला है बड़ा, उसमें कनेक्ट करने का था। अभी वो कनेक्ट है ना स्ट्रक्चर ऐसा शेप में आए तो फुल स्ट्रक्चर आए तो हम डिस्टर्ब नहीं कर सकता हूँ। यह होते ना सर उसमें आगे लेके जाना पड़ेगा, जाएंगे तो कनेक्ट हुआ तो परमानेंट सोल्यूशन मेरे हिसाब से परमानेंट सोल्यूशन ही निकालना पड़ेगा। इसके लिए इतना वक्त लग है क्योंकि हम लोगों के घरों में जा रहे हैं, लोगों की हालत देखे सर। नहीं नहीं करेक्ट है आप, अब बारिश नजदीक है। मैं भी मालूम है सर, अभी मैं क्यों बोल रहे हैं ना, ये डिजाइन जो कुछ है ना तो चेक कर को मैं एक 7 डेज में बता देकर बोल दिया। स्टडी करने का टाइम 7 डेज में बारिश चालू हो जाएगा सर। सीरियसली सर पहले क्या है ना, मैं कल ही नहीं तो परसों में आपको उधर का इन्वर्ट लेवल ले लेगा। इन्वर्ट लेवल लेगा पहले, वो इन्वर्ट लेवल लिया तो आपको मैं ये बता सकता सर पानी इधर से उधर जा सकता हूँ। ओके मैं चेक कर दूँ आपको बताने का, कल एक बार चेक करवाएंगे। सर हमारी एक ही रिक्वेस्ट है, हमारा नॉलेज नहीं है कि बोलो तो इंजीनियर एक्सपर्ट्स तुम्हें है, हमारा क्या है हमारे घर तक पानी नहीं आए, चाहे वो पच्ची बाबा हो, चाहे वो शिवाजी नगर हो, चाहे वो बीरबल नगर हो, चाहे वो असदगढ़ सोसाइटी हो, चाहे वो अहमद नगर हो, बट पानी हमारे घर तक नहीं आए। ठीक है।